Hello, welcome to Made Easy. So very often we at Made Easy come across questions from students like my GPA is very low, I have not been very good in academics in my college in past, can I still prepare for GATE or ESE, can an average student clear exams like GATE and ESE. तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके ये सभी इश्यूज को एड्रेस करें एंड यू गेट द राइट आंसर टू नो हु इज एक्चुअली फिट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स लाइक गेट एंड ईएससी। तो हर क्लास में हर कॉलेज में हमेशा दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जिन्हें कोई भी कंसेप्ट समझने में बहुत कम टाइम लगता है, जो टीचर के शायद क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले ही आंसर दे देते हैं। दूसरे वो जिनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है, शायद एक बार प्रैक्टिस करें या घर जाकर एक बार देखें तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो दे कैन मास्टर दिस। प्रॉब्लम ये है कि दूसरी कैटेगरी वाले हमेशा ये सोचते हैं कि खाली पहले टाइप के स्टूडेंट ही कुछ अच्छा कर सकते हैं, ओनली दे आर मेड फॉर बिग थिंग्स इन लाइफ, क्योंकि उनका GPA अच्छा है, क्योंकि वो फास्ट लर्नर्स हैं, इसलिए खाली वो ही कुछ अच्छे एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं या कुछ भी अच्छा अचीव कर सकते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली टैलेंट इज ओवररेटेड, क्योंकि एवरी डे इज नॉट जजमेंट डे। कोई क्लास में कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितनी जल्दी जवाब देता है, उसने कॉलेज में कैसा परफॉर्म किया है, इसमें से किसी से भी ये डिसाइड नहीं होता कि वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा या नहीं। एग्जाम डे और जजमेंट डे हैव एंटायरली डिफरेंट डिमांड्स। आपको विल चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, फोकस, कंसिस्टेंसी, एंड नन ऑफ देम रिक्वायर टैलेंट, दे जस्ट रिक्वायर हार्डवर्क, कंसिस्टेंट हार्डवर्क। टैलेंट इज समथिंग इनहेरिट विच कम्स फ्रॉम विद इन, विच यू आर बॉर्न विद, बट इट इज ऑल्सो अ प्रूवन फैक्ट कि अगर उसको आप आइडेंटिफाई या डेवलप नहीं करते हैं इन टाइम, इट इवेंचुअली फेड्स अवे। दैट मीन्स इफ इट इज नॉट पुट टू राइट यूज, इट विल बी लॉस्ट। सो वॉट गोज अ लॉन्ग वे इज योर हार्डवर्क। There is this book, Story of Success by Gladwell, which mentions the 10,000 hour rule. Author इसमें बोलता है कि अगर आप किसी भी स्किल पे 10,000 आवर्स स्पेंड करते हैं तो यू बिकम मास्टर ऑफ दैट स्किल। राहुल द्रविड़ इज अ क्लासिक एग्जांपल हियर। हम सभी लोगों ने उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनी है, ही हाउ ग्रेट ही हैज बीन इन प्लेइंग क्रिकेट, वो सब सुना है। बट ही वाज नॉट बॉर्न टैलेंटेड। आफ्टर पुटिंग 17 ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, ही बिकेम व्हाट वी सी हिम टुडे। He tells in multiple interviews and stories unki struggle stories. We see him as an overnight success. What we do not know is the number of sleepless nights he put to become that overnight success. To kisi skill ko master karne ke liye 10,000 hours chahiye. Matlab agar hamara aim best engineer banna hai to utna time hame devote karna padega. But to clear GATE or ESE, you just need to become the best in your surroundings. तो उसके लिए एटलीस्ट हम 10,000 का 10% टाइम तो डिवोट कर सकते हैं, 1,000 आवर्स तो दे सकते हैं, विच इज मेयरली 3 आवर्स ऑफ कंसिस्टेंट स्टडिंग फॉर 1 ईयर। अगर आपने उतना टाइम ऑनेस्टली कंसिस्टेंटली पढ़ाई को दिया है विद फुल ऑनेस्टली, नो मैटर हाउ यू आर डूइंग राइट नाउ, यू कैन श्योरली अचीव सक्सेस। आपके अभी टेस्ट में कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप अभी क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपने पहले कॉलेज में कैसा परफॉर्म किया है, दैट ऑल इज वेन, दैट ऑल इज इमटीरियल टू योर सक्सेस इन फ्यूचर। अगर आप एक साल 3 आवर्स कंसिस्टेंटली अदर देन क्लास पढ़ रहे हैं, यू विल श्योरली गेट सक्सेस। व्हाई सी ईएससी इज एन ईयर लॉन्ग प्रोसेस, राइट? 1 ईयर इज इनफ टाइम टू जज योर हार्ड वर्क अलॉन्ग विद योर इंटेलिजेंस। नाउ देयर इज अ लॉन्ग गोइंग डिबेट अबाउट गेट दैट इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स टैलेंट, पर उसमें भी हमें जरूरत है नॉलेज के एप्लीकेशन की, विच कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू हार्ड वर्क। आपका दिमाग कितना तेज चलता है वो इम्पॉर्टेंट है, पर आप नए क्वेश्चंस को देख के कितना जल्दी सॉल्यूशंस पे वर्कआउट कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड दैट विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस, विच अगेन कम्स डाउन टू हार्ड वर्क। वी सी इलॉन मस्क, नो नंबर ऑफ स्टोरीज अबाउट हिज टैलेंट, हाउ ही वॉज बॉर्न अ प्रोडिजी। What we don't know is the hard work that he puts. So he works 80 to 100 hours a week for both of his company. So talent can no doubt give you a head start. But what goes a long way is your hard work. What good is a head start if not put to proper use? As Stephen King quotes, talent is nothing without hard work. So I'll just wrap up this video saying कि आपके जो भी डाउट्स हैं खुद को लेकर, जो भी आपके एप्रीहेंशंस हैं, जस्ट पुट देम असाइड,
ओके जस्ट फॉरगेट ऑल दैट यू हैव डन टिल नाउ. अगर अभी तक आपने एक साल अपनी प्रिपरेशन को 3 आवर्स भी कंसिस्टेंटली दिए हैं, आपने ऑनेस्टली प्रिपेयर किया है, या अगर यू आर विलिंग, अगर आप में उतना डिटर्मिनेशन है कि यू कैन डू दैट फॉर 1 ईयर ऑफ योर लाइफ, सो श्योरली यू आर फिट टू प्रिपेयर फॉर एनी थिंग इन लाइफ और लेट असाइड एग्जाम्स लाइक गेट और ईएसई. थैंक यू.